लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चूंकि चुनाव लंबे समय तक चलना है, इस कारण बीमारियों में राज्य सरकार से मिलने वाली राहत पर भी असर पड़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान राशि और उसकी मंजूरी को लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति को मानवीय आधार पर प्रतिबंध से मुक्त करने का वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने की बात लिखी है। होटल द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ साईं वाटिका के पास भोपाल रोड का घर। पत्र में लिखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रेहली, जिला सागर सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में आम चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति की प्रक्रिया विगत 3 दिनों से बंद है। इस कारण बहुत से जरूरतमंद लोग इलाज हेतु आर्थिक मदद के लिए भटक रहे हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि चूंकि बीमारियां चुनाव और आचार संहिता देखकर नहीं आती हैं, इसीलिए यदि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की स्वीकृति को आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंधित किया गया है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे प्रतिबंध से मुक्त करने का कष्ट करें, और यदि प्रतिबंधित नहीं किया गया है तो मध्य प्रदेश राज्य शासन को इस संबंध में तत्काल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। उन्होंने लिखा कि इस संबंध में यह भी स्पष्ट चाहता हूं कि मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सिर्फ राशि स्वीकृति की जाती है, गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु ही सहायता तथा स्वीकृत राशि अस्पताल द्वारा मरीज को दिए जाएंगे। इलाज के अनुमानित प्रोक्लन के आधार पर अस्पताल के खाते में ट्रांसफर की जाती है, न कि बीमार व्यक्ति के खाते में। द ग्रैंड पैलेस बनाए अपने खूबसूरत व यादगार पलों को और भी खास। द ग्रैंड पैलेस के परिणय बंधन के साथ शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए मनमोहक साज सज्जा के साथ स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज केटरिंग के साथ। शॉल पार्किंग एरिया, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साई वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।